नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा आपकी करीब है, ये होने वाली है। और इस परीक्षा को अभी फिलहाल 23 जनवरी 2022 से हटाकर आगे किसी डेट के लिए टाला गया है। 23 जनवरी को ये नहीं होगी, लेकिन बहुत जल्दी इसकी डेट रखी जाएगी, आगे होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी को कैसे पास करें, कौन सा पोर्शन है, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं और कौन सी किताबें आप पढ़ें मोटे तौर पर, या क्या तरीका अपनाएं जिनसे कि आपका बीपीएससी का एग्जाम आसानी से पास हो जाए। परीक्षा पास करने के कुछ तरीके होते हैं। परीक्षा केवल पढ़ के नहीं पास हो पाती है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन तरीके से पढ़ाई उससे भी ज़्यादा जरूरी है। ट्रेंड एनालिसिस के तहत सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको रूबरू कराएंगे उन सभी सब्जेक्ट से जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर अगली बारी होगी कि उसको कैसे तैयार करें और कहां से तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि 150 प्रश्नों का ये पेपर होता है और 150 प्रश्नों का ये पेपर 150 मार्क्स का होता है। एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ना होने के कारण मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है अन्य जो आयोग हैं उनकी तुलना में। यूपी की बात करें तो यूपी में नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ से उसकी मेरिट जो है ज़्यादा जाती है। लास्ट ईयर में देखा गया कि मेरिट थोड़ी सी ज़्यादा चली गई थी, और ज़्यादा। नॉर्मली इसकी जो मेरिट कट ऑफ जो इसका रहता था, लड़के और लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कों का कट ऑफ 97-98 के आसपास, 97 के आसपास रहता था, लड़कियों का 87 या 86 के आसपास रहता था, क्वेश्चंस या नंबर जो भी आप कहिए। लास्ट ईयर जो 66 का एग्जाम हुआ उसमें इसकी जो मेरिट है वो ज़्यादा चली गई थी, और ज़्यादा जाने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग इसमें बाहर हो गए जो रेगुलर वहाँ का मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं या कई बार उन्होंने दिया है, अच्छे कैंडिडेट हैं। हमको जब तैयारी करनी चाहिए तो कई बार कुछ स्पेयर में हमको क्वेश्चन लेके चलने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सपना है और उसको हमको साकार करना है, फतेह करना है, जीत दर्ज करनी है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहला स्टेप प्रीलिम्स एग्ज़ाम का होता है, और अगर वो स्टेप ही हमसे मिस हो गया तो मेंस की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। तो 150 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र, इसको कैसे हम पूरा कवर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपकी कैसे मदद करूँगा और कैसे आप पढ़ेंगे तो ये अचीव करना बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कैटेगराइज करके सब्जेक्ट वाइज कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको देखें तो यहाँ पे बिहार में बीपीएससी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस हैं उनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है बिहार का स्पेशल, जो विशेष अध्ययन है वहाँ का। स्पेशल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसको आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, और अगर पढ़ लिया है तो अवश्य कर पाएंगे, बहुत कठिन नहीं होता है। इसके लिए हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आगे इसके अनवरत वीडियो आएंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी। मुख्य रूप से अगर विषयों की बात करें तो सबसे पहला विषय इतिहास, जो कि किसी भी सिविल सेवर परीक्षा में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या फिर यूपीपीएससी हो, हर जगह पूछा जाता है। यहाँ पर भी यहाँ लगभग 30 क्वेश्चंस का इसका आधार है जो पूछा जाता है। विज्ञान से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। ये जो भी कैटेगरी हम यहाँ पे बांट रहे हैं, ये 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ये मोटे तौर पर कितना आपको लेना है, कितना क्वेश्चन का किसको क्रेडिट देना है, किस सब्जेक्ट को कितना, आपका सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, रोल अदा कर सकता है आपके पास होने में, बस इस लिहाज से इसको डिस्कस किया जा रहा है। आगे फिर भी इसको हम और तोड़ेंगे और तोड़ के देखेंगे कि इतिहास में कितना बिहार का और कितना पूरे भारत का इतिहास। ऐसे ही विज्ञान में तो बिहार का कुछ ऐसा नहीं होगा, विज्ञान तो, और यहाँ का जो विज्ञान होता है वो बिल्कुल फंडामेंटल जो साइंस है उसको पूछा जाता है। अंकगणित के क्वेश्चन, भूगोल और इन सबको देखेंगे। इतिहास की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आपको मिलेंगे, लेकिन इसकी सबसे खास बात है कि इसको दो भागों में आप बांट सकते हैं। एक तो इंडिया का आपका इतिहास है, उससे रिलेटेड लगभग 15-17 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 12-15 क्वेश्चन आपको बिहार से स्पेशली मिल जाते हैं।
यहाँ पर जब आप इसको टोटल करेंगे तो हो सकता है 150 से ज्यादा कमाए, लेकिन जब मैं आपको इसको बता रहा हूँ उस लिहाज से आप देखेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। दो चार क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, नहीं तो ऐसे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर 30 क्वेश्चन है तो आप मान सकते हैं 15-17 क्वेश्चन जनरल और 10-12-15 क्वेश्चन आपके बिहार से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। बिहार स्पेशल में जो हम डिस्कशन करेंगे वहां से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी क्या करना है इतिहास तैयार करने के लिए, अगर आपके पास समय है तो आप कोई भी इतिहास की पुस्तक पढ़ सकते हैं। उसमें सबसे कारगर अगर कम समय में पढ़ना है तो आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है उतने से भी आराम से काम चल जाएगा। बाकी आपके पास ज्यादा समय है तो आप किरण की किताब पढ़ सकते हैं, जो सामान्य इतिहास पूछा जाएगा भारत का, उसके लिए चाहे लूसेंट पढ़िए चाहे वो पढ़िए किरण पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपका जैसे बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है या पढ़ने का शेड्यूल जो आपका है वो बहुत ज़्यादा समय आप नहीं निकाल पाते हैं, तो उसके लिए लूसेंट को रिवाइज करना, लूसेंट को बार बार पढ़ना, उसको रटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी नियर अबाउट 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, और मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मूलभूत विज्ञान यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे प्रश्न और साथ में इसमें साइंस टेक्नोलॉजी के करंट के प्रश्न भी मिलेंगे, एप्लीकेशन भी मिलेगा। लेकिन यहाँ की जो साइंस होती है वो फैक्चुअल होती है, इसके लिए आप लूसेंट जो आती है साइंस वाली, लूसेंट साइंस पे पूर्ण यकीन कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और साथ में उसको जो किताब है उसको एक दो बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। इसमें साइंस को तीन भागों में आप बांट सकते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। और अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है तो आप लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है विज्ञान वाला, उससे भी काम चला सकते हैं। कुल मिला के इस पूरे एग्जाम में लूसेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात आती है बिहार विशेष की। बिहार विशेष में 35 क्वेश्चन यहाँ पे नोट हैं, 35 से ये बढ़ के 40 भी जा सकते हैं, घट के 30 भी आ सकते हैं, लेकिन 35 एक आदर्श स्थिति है जहां आप आपसे पूछे ही जाते हैं। इन 35 प्रश्नों में आपको मैंने बताया कि हिस्ट्री के भी प्रश्न मिलेंगे, इसमें आपको ज्योग्राफी के भी प्रश्न मिलेंगे, ज्योग्राफी आगे आप देखने जा रहे हैं अभी, और इसमें आपको थोड़े बहुत पॉलिटी के भी प्रश्न मिल जाएंगे, बिहार के बारे में, वहाँ की सीट्स कितनी है, कितना वहाँ पे ग्राम पंचायत है, कितनी वहाँ पे तहसील है, कितनी नगर पंचायत है, कितना क्या है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पर, बिहार के स्ट्रक्चर पर आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। ये पोर्शन हम पूरा आपका कवर करवाएंगे, क्योंकि इसको पास करने में, इस एग्जाम को, इस पोर्शन का अहम रोल है, सबसे महत्वपूर्ण या महती भूमिका आप कह सकते हैं इस वाले पोर्शन की है। तो इसको हम कराएंगे चैप्टर वाइज आपका पूरा अध्ययन, और साथ में आपका एमसीक्यू के साथ जो प्रैक्टिस वाला सेशन होता है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। अंकगणित से निश्चित है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जो मैथ्स या अंकगणित जो पूछी जाती है ये प्योर अंकगणित ही होती है, यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं, और ये 10 ही पूछे जाते हैं हर बार। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि ये 10 ही पूछे जाने हैं, और 10 क्वेश्चन ये जिन्होंने थोड़ा सा भी सही से पढ़ लिया, थोड़ा सा एलजेब्रा का कुछ कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत आपने पाइप टंकी ये सब सवाल कर लिए, आपने परसेंटेज कर लिया, समानुपात अनुपात, समानुपात का जो चैप्टर है उसको कर लिया, तो आपके ये क्वेश्चन सारे के सारे सही हो जाते हैं। मान के चल रहा हूँ कि 8 तो इसमें हो ही जाते हैं। कोई नहीं पढ़ेगा तब भी 5-6 क्वेश्चन का जवाब वो दे देगा अगर उसने थोड़ी भी बहुत सही से पढ़ाई की है या पुराने पेपर्स देख लिए हैं। भूगोल में बिहार से ज़्यादा प्रश्न रिलेटेड होते हैं, बिहार की नदियाँ, बिहार की जो भूमि है, बिहार की मृदा, बिहार की फसलें, ये सब भूगोल से रिलेटेड प्रश्न आपको ये जो 35 क्वेश्चन का यहाँ हमने जिक्र किया है इसमें ज़्यादा मिल जाएंगे। बाकी जनरल भूगोल के जो प्रश्न विश्व भूगोल और भारत की भूगोल से संबंधित हैं वो 10 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे, 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको रीजनल के मिल जाएंगे जो बिहार विशेष में इंक्लूड है। यहाँ पर राजव्यवस्था से भी 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। राजव्यवस्था में भी मैंने आपको बताया कि बिहार से रिलेटेड भी 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, बाकी जो संविधान और राजव्यवस्था हम पढ़ते हैं उससे मिल जाएंगे। लूसेंट वाला पोर्शन यहाँ के लिए भी इनफ है, भूगोल के लिए भी वो पोर्शन इनफ है। कुछ क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे जो लोकेशन बेस्ड होंगे, कहीं चक्रवात आया, कहीं पे कोई तूफान आया, कहीं पे ज्वालामुखिता हुई, कहीं पर कोई घटना हुई है अगर सागर में तो उससे तटीय क्षेत्र, कोई स्थान चर्चित रहा है तो उन स्थानों के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे कि यह स्थान कहाँ पर स्थित है और इसकी सीमा किससे मिलती है। तो भूगोल को आप करंट से रिलेट करके भी थोड़ा बहुत तैयार करेंगे, बाकी ट्रेडिशनल आप लूसेंट पे आराम से डिपेंड होकर इसको तैयार कर सकते हैं। राजव्यवस्था भी आप लूसेंट से पढ़ लेंगे तो वो हो जाएगी।
बाकी इसके लिए सबसे जो सटीक तरीका होगा अभी आपको बताया जाएगा कि कौन से पोर्शंस को करके आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चंस हैं, दो तीन क्वेश्चन यहां आपको मिलेंगे जो कि बजट से और इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे रिलेटेड होते हैं, यानी कि करंट इकोनॉमी से पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल भी मिलेंगे जिसमें राष्ट्रीय आय आपकी तैयार होनी चाहिए, बिहार की जो जीडीपी है वो कितना है, जीडीपी में कितना एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर कितना है, ग्रोथ कितनी रही है, कम कब रही है, ज़्यादा कब रही है, वहाँ की योजनाएं जो बिहार की हैं, आर्थिक जो योजनाएं हैं वो सब पूछ ली जाएंगी, सामाजिक आर्थिक जो योजनाएं हैं वो पूछ ली जाएंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जीडीपी होती क्या है, ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। साथ में नीति आयोग भी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर उसका कोई इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बैंक का कोई इनिशिएटिव वहाँ पर है, वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो रहा है तो कौन सी सड़क के लिए कितना बजट पास किया गया है, कौन सी सड़क का निर्माण अभी नया घोषित किया गया है, कहाँ से कौन सी सड़क गुजर रही है, ये भूगोल का पोर्शन है लेकिन अर्थव्यवस्था में चर्चा में रहा है, इस कारण से इसको पूछा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि करंट से रिलेटेड ही गतिविधियां आपसे पूछी जाएंगी। ट्रेडिशनल केवल यहां पर इतना पूछा जाएगा कि वो कॉन्सेप्ट जिसके भरोसे आप करंट को समझते हैं, इसके लिए बेसिकली लूसेंट से सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर का पोर्शन हम बहुत सही से करेंगे और उसमें बिहार का करंट अफेयर, भारत का, विश्व का करंट अफेयर, हर तरीके की घटनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और जो भी राज्य व्यवस्था से संबंधित है, अनुच्छेद है, इन सब को हम करेंगे तो वो कवर आराम से हो जाएगा। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर के भी लगभग 28-30 प्रश्न, 32 प्रश्न, 25 प्रश्न, 27 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर आधारित होते हैं। इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है वही घटनाओं पर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं। इसमें फैक्चुअल प्रश्न पूछने के कारण यहाँ पर जो जितने भी मैचेस हैं, जितने भी स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर हैं, उनसे आपको निश्चित तौर पर रूबरू होना पड़ेगा, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई रिकॉर्ड बना उससे पूछा जाएगा, रामसर साइट है अगर हाल में घोषित हुई है, अगर आपसे कोई न्यूज में कोई व्यक्तित्व रहा है और बिहार से रिलेटेड है तो यहाँ पर भी बिहार स्पेशल का कुछ आपको थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर अपडेट रहना पड़ेगा, जिससे कि 5 से 10 प्रश्न आपके बिहार के करंट अफेयर के मिले तो वो भी आसानी से आप कर सकें। मान लीजिए कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कोरोना काल में या नॉर्मली वैसे समय भी अगर उसने कुछ किया है बिहार में तो वो करंट अफेयर में आर्थिक दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, वो जहां पर होगा तो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी उसकी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और समसामयिकी में बाकी कौन सा सिक्का जारी किया गया, कौन सा क्या किया गया, कोई घटनाक्रम हुआ, कोई इनिशिएटिव हुआ, मान लीजिए वाईफाई स्टेशन की बात हुई थी तो पूछ लिया गया, या कहीं पर पूरे बिहार में कोई भी घटना घटती है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो भूगोल की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो साइंटिफिक कुछ हो, चाहे वो आर्थिक घटनाक्रम हो, सब इम्पॉर्टेंट होता है। ये पोर्शन भी हम आपका बहुत सही से कराएंगे बिहार के करंट अफेयर को इंक्लूड करते हुए। बाकी 5-10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनकी कैटेगरी निर्धारित करना मुश्किल होता है, वो कहीं से भी आप उसको जोड़ सकते हैं, नॉर्मली इसको जीके कह सकते हैं, जीके के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा रहा, ऐसे जोड़ेंगे आप तो 30, 30, 60 और 35, ये 95, 10, 105, 125 और ये 14, ये हो गया 139 और ये 35, तो इस इतिहास से तो आपका ये पहुंच जा रहा है 170, लेकिन 170 नहीं 150 आएंगे। यहाँ पर हिस्ट्री कम हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही कम हो जाएगा, आपका समसामयिकी हो सकता है 25 ही पूछा जाए। ये यहाँ पर रेंज लिखी गई है कि इतने से इतने तक, यानी कि मैक्सिमम इतने पूछे जा सकते हैं। ये तो बात रही कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, अब बात आती है कि इसको पास कैसे करें, कौन सा पोर्शन है जो आपको पास कराएगा। अंगणित जिनका ठीक है वो 9-10 मार्क्स ला सकते हैं, 10 में 10 ला सकते हैं। जिनका थोड़ा सा कमजोर है और लेकिन कर लेते हैं तो 5-7 प्रश्न वो कर सकते हैं, 7 प्रश्न तक। और जिनका वीक है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे में टिक करेंगे, 2-4 प्रश्न सॉल्व भी करेंगे तो 5-6 प्रश्न उनके भी सही आराम से हो जाएंगे। 150 में 150 यहाँ करना ही है, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो पेपर पूरा सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा पोर्शन है जो हमको पास करा सकता है। नंबर 1 पोर्शन जो है वो आप नोट कर लीजिए, उस पोर्शन को आपको तैयार करना भी बहुत कठिन नहीं है, इसलिए ये आपको पास कराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा और आप कर भी सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के आप छात्र हों।
वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री की जो कहानी है, मतलब इस पेपर में कहानी तीन पोर्शन, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, और इसमें फ्रीडम स्ट्रगल, इन पोर्शन से टोटल मिला के मैंने कहा कि लगभग 30 से 35 के बीच में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से मैंने आपसे ये भी बताया कि 15 के आसपास प्रश्न होंगे जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड होंगे। तो बिहार का जब हम अध्ययन करेंगे तो बिहार का अध्ययन करने के क्रम में इसका अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। और बाकी हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, पुराने पेपर, कोई भी जो क्वेश्चन पेपर आपको समझना हो कि कैसा आने वाला है या कैसा आता है, तो ओल्ड ईयर के पेपर आप उठाइए, कम से कम 10 सालों के, और 10 ईयर्स के ओल्ड पेपर आप उठा के जब इसको सॉल्व करेंगे तो केवल आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से पेपर आता है, बहुत सारे हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स की संख्या में आपके प्रश्न तैयार हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं हूबहू या उन फैक्ट्स के आधार पर आपको नए प्रश्न जो बनेंगे वो मिलेंगे, तो आप आसानी से उनको तैयार करके अपनी तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको खरीदना है एक प्रैक्टिस सेट जो कि सॉल्व पेपर हो, सॉल्व पेपर ऐसा हो कि उसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हो, व्याख्या दी हो, तो आप एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन के बाद में जब एक्सप्लेनेशन उसका सही से कर लेंगे तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके और तैयार हो जाएंगे। तो 30-35 ये दूसरा पोर्शन आप यहाँ पर जो बिल्कुल सही से तैयार करके और एग्जाम को पास कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है इसको छोड़ के नहीं पास कर सकते क्योंकि ये बड़े पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री है ऐसे ही यहाँ पर साइंस का भी पोर्शन है। जिसने साइंस छोड़ दिया तो साइंस छोड़ने के बाद में, क्योंकि यहाँ से 30 के लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, 30-32 प्रश्न आ रहे हैं, 28 प्रश्न आ रहे हैं, 35 प्रश्न आ रहे हैं, तो इसको छोड़ के आप अपना काम नहीं चला सकते, इसलिए साइंस को भी आपको मांझना है। तरीका वही होगा, ओल्ड ईयर के जो पेपर्स हैं उनको, और साथ में लूसेंट पढ़ना है इसमें। लूसेंट अगर आपकी साइंस वाली होगी तो ज्यादा मजा आएगा, अगर वो नहीं है तो आप लूसेंट जो जीके वाली है उससे भी साइंस को कर सकते हैं। और तीसरा पोर्शन है करंट अफेयर जिससे लगभग 30 प्रश्न आएंगे। इसमें भी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार का जो स्टेट स्पेशल करंट अफेयर है, ये सब आपको मिलेगा। इन तीन पोर्शन को आप जोड़ेंगे तो लगभग आप 90 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए, 90 प्लस में, 90 प्लस में चले गए, और 90 प्लस में चले गए यानी कि अब आप जो है कहीं से भी 15-20 क्वेश्चन का और स्कोर कर लीजिए, 20 क्वेश्चन में कम से कम कहूंगा, क्योंकि टारगेट 110 का लेके आपको चलना है 150 में, कि कट ऑफ कितना भी हाई जाए, कट ऑफ कई चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पेपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और साथ में जो पेपर आपने किया और जो आपने पेपर अभी तक देखा है उनके बीच में भी डिफरेंसेस होगा तो कट ऑफ में डिफरेंसेस हो जाता है, नेचर ऑफ पेपर में भी वो में ही वो बात आ जाती है। तो 90 ये हो गया, बाकी 20 क्वेश्चन की जुगत आपको कम से कम और करनी है, तो उसके लिए आपके पास पोर्शंस हैं। लेकिन हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर ये ऐसे पोर्शन हैं जिनको आपको ना छोड़ना है और ना इनके बिना काम चल सकता है। अब जिनके मैथ्स ठीक है, मैथ्स वाले यहाँ पर अपना 10 क्वेश्चन का स्कोर यहाँ कर सकते हैं, 8 क्वेश्चन के आसपास, 8 क्वेश्चन यहाँ से वो कर ले तो उनका तो वैसे ही 100 टच कर रहा है, 90 और 8 जोड़ेंगे तो ये 98 क्वेश्चन हो गया, 98 यहीं पहुंच गया। बाकी अगर आपको देखना है तो अब यहाँ से आप देखिए, उनको तो छोड़ नहीं सकते, वो तीन पोर्शन तो करने ही है, उसके अलावा अर्थव्यवस्था से, राज्य व्यवस्था से और भूगोल से भी तो आप तीन चार क्वेश्चन कुछ करेंगे, तो ये जोड़ के 10-15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपका स्कोर 110 पहुंच जाएगा। राज्य व्यवस्था के लिए भी मैंने बताया कि अगर आप लूसेंट से ही पढ़ लेंगे, अर्थव्यवस्था के लिए भी बताया मैंने लूसेंट से ही पढ़ लेंगे तब भी काम चलेगा। भूगोल में थोड़ा सा आजकल के जो प्रश्न है वो नदियों पे बिल्कुल सामान्य प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मृदा पे बिल्कुल सामान्य नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे ठीक आप चोटियों पे चले जाइए, चोटी पर्वत चोटी की बात करिए, पहाड़ी क्षेत्र की बात करिए, पठारी क्षेत्र की बात करिए, भूस्थलाकृति की बात करिए, नॉर्थ ईस्ट की बात करिए, तो बहुत नॉर्मल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। और यहाँ जो अन्य वाला पोर्शन है इसमें जनगणना और नगरीकरण के जो पोर्शन प्रश्न है उनको भी मैं शामिल कर रहा हूँ। 2-3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार आते ही हैं, तो अगर मिसलेनियस से भी आप जोड़ लें यहाँ पर, जो आपको एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा करना ये है कि आप जैसे मिसलेनियस वाले पोर्शन में पॉपुलेशन आपसे पूछ लिया गया, सेंसस पूछ लिया गया, साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चरल को डेटा पूछ लिया गया,
यहां पर आपको जो चार पांच प्रश्न लिखे हुए हैं कि मिसलेनियस में पूछे जाते हैं, तो उसको चाहे आप इकोनॉमी में जोड़ लीजिए, ज्योग्राफी में जोड़ लीजिए, जो मिनरल्स का आपका डेटा होता है ये भी पूछा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कम से कम 15 आप यहां से कर लेंगे इन सभी प्रश्न से पोर्शन से मिला के। 3-4 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस वाले में सही हो जाएंगे और साथ में आपका जो दूसरा पोर्शन है ये क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था का, राज व्यवस्था का, भूगोल का, ये सारा बचा हुआ है। तो यहां से अगर भूगोल से आपने 10 में से 4 सवाल भी कर दिए, राज व्यवस्था में से भी आपने 3-4 सवाल कर दिए, अर्थव्यवस्था से भी आपने 3 सवाल कर दिए, तो 4-4, 8-3, 11 और अन्य मिसलेनियस से भी आपने अगर 3 सवाल कर दिए तो ये हो गया आपका 11 और 3, 14 क्वेश्चन। अब आप यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब आप जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि इतिहास से आप जितना 30-35 पूछा जाएगा सारा सही कर देंगे, ये काम कभी नहीं सोच के जाइएगा कि ऐसा हो जाएगा। आप कितना भी एक्यूरेट पेपर करेंगे आपके क्वेश्चन गलत होने ही हैं और उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। यहां से आप कर कितना पाएंगे ये मायने रखता है। ये तो मैंने बताया कि ये पोर्शंस हैं कि ऐसे करके आप पूरा कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी अच्छा करेंगे, आप अगर 30 प्रश्न पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अपना स्कोर नोट कर लीजिए कि 25 से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। साइंस में 30 पूछा जा रहा है तो 22 आप कर पाएंगे। करंट अफेयर में 30 पूछा जा रहा है तो आप 26-27 तक कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। अब इसको आपको जोड़ना है कि कैसे आप पास करेंगे। यहां तक तो मैंने आपको बताया कि ये इस पोर्शंस में ऐसे इतने इतने प्रश्न आएंगे तो आप बना के स्ट्रेटजी बता सकते हैं कि 120 हमने कर लिया। ठीक इसी तरीके से जो 14 क्वेश्चन हमने भूगोल और राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था इनसे जोड़ा है वो भी आप इसमें ऐड करिए 14 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आप मैथ के ऐड करिए, 10 क्वेश्चन ये मैथ के आपने ऐड कर लिया। अब जोड़िए जो स्कोर आ रहा है इसमें जो कमी है उसको आपको दूर करना पड़ेगा। 5 और 2 7, 5 12 और 4 16 के 6 एक आया, 3 और 2 5 और 1 5 और 1 6 6 2 8 1 9 अब आप पहुंचे 96 पे। तो यहां पे मैथ्स के भी ये 10 क्वेश्चन जुड़े हैं, हो सकता है आपके 5 ही सही हो, 7 सही हो, तो आप 90 से ऊपर स्कोर लेके यहां जा रहे हैं, है ना, जब इतना अच्छा आप कर रहे हैं। यानी कि कुछ पोर्शंस में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और वो पोर्शंस कौन से हैं, बिहार स्पेशल। मैंने इसीलिए इसको बचा के रखा था कि बिहार स्पेशल पूरा पूरा तो आप कर नहीं पाएंगे, और वो रहा बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में अगर जरा सा भी आपने मेहनत कर दी, सही से पढ़ लिया, जो वीडियोज यहां से जारी होंगे उसका आपने एक सही से क्लास कर लिया, फिर प्रैक्टिस कर लिया, तो इन 35 प्रश्नों में आप मान के चलिए कि जो सारे इतिहास भूगोल सबसे रिलेटेड हैं, लगभग डायरेक्टली बिहार से रिलेटेड ये 35 आएंगे, तो इनमें आप मान के चलिए कुछ आपका इतिहास में भी जुड़ जाएगा यहां से, कुछ भूगोल में भी। 20 से 22 क्वेश्चन की लीड यहां से आप ले लीजिए, और जब इस लीड को आप इसमें जोड़ेंगे तो 96 में जब आप 20-22 जोड़ देंगे, 95 में 20 जोड़ देंगे, तब आप पहुंच जाएंगे 95 में अगर आप 20 ऐड करते हैं तो आप पहुंच गए 115। ये स्कोर आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से क्लियर कट बिल्कुल अस्पष्ट बात करना चाहता हूं कि क्या क्या पढ़ के कहां से कितना टारगेट करके आप पास कर सकते हैं। सबसे पहला पोर्शन आप नोट करिए हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपसे पूछा जाएगा 30, आप करने की कोशिश करिए 25। दूसरा आप करिए साइंस। साइंस में अगर आएगा 30 क्वेश्चन यहां पे भी, या 28 ही आ जाएगा, तो यहां पे भी लगभग आप टारगेट रखिए कि 22 क्वेश्चन कर पाए। तीसरा पोर्शन मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर। करंट अफेयर में भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर 30 के आसपास ये आ रहे हैं तो यहां आप कोशिश करिए कि 25 से ऊपर जाइए, 25 प्लस करने की कोशिश करिए। और चौथा जो पोर्शन मिसलेनियस में, जिसमें हमने कई पोर्शंस रखे हैं उनको मैं अभी जोड़ रहा हूं, लेकिन उसके पहले अब बारी आ जाती है बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल में अगर 35 क्वेश्चन आप जोड़ रहे हैं तो इसमें कुछ तो यहाँ पे भी जुड़े हैं, हिस्ट्री में भी और ये ज्योग्राफी अभी खैर हमने यहाँ जोड़ा ही नहीं है, तो उनको अगर जो ओवरलैप कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, तब भी 35 में से कम टारगेट करिए कि आप कर पाएंगे 25 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन तो आप नोट ही कर लीजिए, 23 क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि 35 में से 23 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, 23 से ऊपर जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जब इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 5 12 2 14 के 4 एक आया,
तो 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 ये आया ना 94। अब यहां बचा आपके पास क्या, मिसलेनियस कई चीजें हैं जो स्पेशल आप नहीं पढ़ सकते, उसमें ज्योग्राफी है, अगर मान लीजिए कि आपने नहीं पढ़ा है तब की बात कर रहा हूं, अगर आपको आती है तो आपके लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं आती है तो हो सकता है आपकी हिस्ट्री ज्यादा अच्छी हो, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, लेकिन ये है मेजर पोर्शन, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी के साथ में यहां पर अभी पॉलिटी बचा है, पॉलिटी के साथ में इकोनॉमी आपका बचा है, और इनसे क्वेश्चन की संख्या आप देखेंगे तो सारा जोड़ लेंगे, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी 10, 17 और 7, 23 और अन्य 28, यानी कि लगभग अगर हम 25 प्रश्न भी यहां पर रख लें कि इनसे 25 प्रश्न पूछा जाएगा, तो इन 25 प्रश्नों में अगर ये 25 पूछा जाएगा तो मानकर चलिए कि आप कम से कम 15 क्वेश्चन का यहां टारगेट रखिए, तो इस तरीके से आपका 110 के आसपास का ये टारगेट पूरा होगा। ये जुनून हुआ, ये रियल वाला हुआ, यहां पर अब कुछ नहीं बचा है जो आप कर नहीं सकते हैं। बाकी पहले हमने जो बात की थी वो आपको एक सपना दिखाया था कि ऐसे ऐसे आएगा और आप लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, 30 आएगा 300 सही हो जाएगा, साइंस 30 आएगा 1-2 गलत होगा सब सही हो जाएगा, करंट अफेयर में जो हम सब सही कर देंगे, लेकिन रियलिटी कुछ अलग होती है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हिस्ट्री हर हाल में पढ़ना है, साइंस हर हाल में पढ़ना है, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल इसको नहीं छोड़ सकते, बाकी यहां से अगर कहीं आप कमजोर हैं तो आप पॉलिटी पे जाके उसको कवर करिए, आप उसको जाके कवर करिए ज्योग्राफी में, आप उसको जाके कवर करिए जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसमें, इन तीनों जगह पे आप जाके कवर कर लीजिए, और इकोनॉमी भी आपका अभी बच रहा है, यहां पर कवर करके फुटकर क्वेश्चनों को इकट्ठा करके आप 15-20 इसको करिए, अगर यहां से कुछ आपका कम हो रहा है, नहीं तो इन पोर्शन को आपको तो निश्चित पढ़ना ही है। बुक लिस्ट में जो हमने अभी तक बात की है उसको अगर हम समराइज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए होने वाली है लूसेंट, लूसेंट की जो जीके वाली बुक है, और अगर आपको पढ़ना है क्योंकि साइंस यहां पर अलग से पूछी जाती है तो लूसेंट साइंस भी आप अलग से देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, ये काम आप कर सकते हैं। तीसरा, जहां तक बिहार स्पेशल की बात है तो बिहार स्पेशल के लिए जो बुक आपको पढ़नी है उसमें दो बुक आपके सामने हैं, एक तो लूसेंट की भी बुक आती है ना, ठीक बुक है, बहुत सारी और बुक्स आती हैं, लेकिन एक इम्तियाज अली की बुक आती है, तो इम्तियाज अली वाली जो बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है, इम्तियाज सर की जो बुक है ये अच्छी बुक है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट आप कर पाए तो इसको कर लीजिए, बाकी बहुत सारी सामग्री है, अगर उसमें से आपको कुछ लगे तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बुक लिस्ट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और सबसे ज्यादा इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ओल्ड ईयर क्वेश्चंस जो पेपर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ले लीजिए कम से कम 15 सालों का जो पेपर हो, 10 से 15 सालों का, और सारा सॉल्व कर डालिए, केवल बीपीएससी का ही नहीं, आयोग के द्वारा जो और एग्जाम कराए जाते हैं उनका भी, और करंट अफेयर के लिए आपको कुछ भी पढ़ते रहना है लगातार, न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए, बिहार की स्पेशल घटनाएं भी उसमें देखते रहिए, साथ में हम इसको कराएंगे ये पोर्शन पूरा, साल भर का करंट अफेयर आपको कवर करना होगा, इतना करके आप इस एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, ठीक है। कम किताबें रखिए, ज्यादा किताब रखने पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्या पढ़ा क्या छोड़ा यही नहीं पता होता है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये डिसाइड करने में ही पूरा समय निकल जाता है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस आपकी, और ये आधार आपको मिलेगा पुराने क्वेश्चन से, बाकी ये सब करने के बाद साथ साथ में करते रहिए, आप प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन करिए, और प्रैक्टिस सेट हम भी लॉन्च कर रहे हैं, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं, हम आपको बिहार स्पेशल में मदद करेंगे, हम मॉक टेस्ट आपके लिए करवाएंगे, मॉक टेस्ट रेगुलर आपके आते रहेंगे, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, और यू बिहार का जो स्पेशल वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चंस अलग से, और साथ में जो उसका अध्ययन वाला है पोर्शन चैप्टर वाइज वो हम अलग से करते रहेंगे, तो इस तरीके से मन जाएगा कि आपका जो ये टारगेट 115 है ये अचीव हो जाएगा, क्योंकि 108 तक मेरिट जा चुकी है, तो आपको 5-7 क्वेश्चन और स्पेयर में लेके चलने पड़ेंगे कि कहीं कटाप ज्यादा जाए, मेरिट हाई चली जाए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ये रही आपकी बुक लिस्ट, ये रही स्ट्रेटजी, इसको फॉलो करना चालू कीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कोई हेल्प लेनी है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अति आवश्यक होने पे कॉल भी कर सकते हैं, और हम जल्द ही आपके लिए ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।
बिहार में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, आपका साथ चाहिए। आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो मैक्सिमम शेयर करिए, जितना शेयर कर सके, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा होगा तो डिसलाइक करके जाइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी है कि आगे आपको ऐसे मटेरियल मिलते रहे, ऐसे गाइडेंस मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच।